गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग हियर सैन। सो वेल, फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं FRI, देहरादून के FRI, आई मीन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो अब हम लोग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एंट्री करते हैं। सो बाहर का जो व्यू है गाइस ना, बहुत ही प्यारा है। वेल आई मीन यार, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अगर आप देहरादून के किसी भी कोने में, सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा ISPT, देन आई मीन घंटाघर, देन उसके बाद आपको FRI इंस्टीट्यूट के लिए बस मिलेगी जो कि है देहरादून में। वेल जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर, आई मीन मेन गेट, बाहर का गेट और मेन गेट। वेल एंट्री करते हैं हम लोग। गाइस ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय वन अकादमी, नेशनल फॉरेस्ट अकादमी। वेल एक्चुअली जो हमारी एंट्री होगी यहाँ से होगी, आप देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं टिकट वगैरह लगता है कि नहीं। भाई पैसा देने का मन तो नहीं है वैसे, सच में बता रहा हूँ। टिकट के चला जाऊँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे 10 रुपए एक्चुअली किराया कम है ना मेरे पास, देख लो अगर हो जाए तो। नहीं हो पाएगा? जोर से बोलिए हाँ या ना। नहीं हो पाएगा। देखिए गाइस बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा। वेल मुझे टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेना अनिवार्य है बोले। चलिए दे दीजिए, निकाल दीजिए। कितना हुआ? सिंगल है ना? हाँ सिंगल है। जी भाई जी, 10 रुपीज गाइज। यार आपने टिकट मिल चुका है, अब मैं देता हूँ उनको पैसा। अगर आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं और आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो जैसे एंट्री करते हैं आप देख सकते हैं यूनियन बैंक का, आई मीन यहाँ पे ATM भी अवेलेबल है इस साइड में। वेल पैसे की तो प्रॉब्लम अगर होगी तो आप ATM यूज कर सकते हैं। वेल अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेट, लेते हैं एंजॉय। और साथ में ही देख सकते हैं यहाँ पे अमूल पार्लर भी है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप आए अपना टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का लवली व्यू, आई मीन शॉर्ट फॉर्म बोले तो FRI। सच में ये बहुत ही प्यारा है। आई मीन लोग यहाँ आई थिंक, मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करने आते हैं। आई मीन बड़े बड़े, आई मीन काफ़ी लंबे ग्रुप में आते हैं लोग। वेल यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग रहते भी हैं, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो आई थिंक वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। देखते हैं कितना प्यारा होम टाउन। वेल गाइस आज हमारे पास दो नए दोस्त हैं, हम मिल सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? अरे जोर से बोलिए ना। जितेंद्र है। इनका नाम जितेंद्र है, मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली ये बोल नहीं पा रहे हैं। वेल आपका नाम क्या है सर? मोहित। इनका नाम मोहित है। सो हम लोग साथ में चल रहे हैं म्यूजियम विजिट करने, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के काफी अंदर है। वेल चलते हैं म्यूजियम के लिए। जो आई मीन म्यूजियम है वो काफी दूरी पे है। देख रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, ये काफी बड़ा है। अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। देखिए भैया भी यहाँ हैं और ये हमारे YouTube पे ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोड हैं उन्हें वॉच करते हुए जा रहे हैं। आई मीन देख रहे हैं जर्नी को, जो यात्रा है उसका कितना मज़ा ले रहे हैं। मतलब वीडियो देखते हुए पहुँच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वेल बोर तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। पहुँचते हैं गाइस, फिर कंटिन्यू करते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, आप इस तरफ देख सकते हैं। और भाई कैमरा इस तरफ टर्न कर देना। वेल देख सकते हैं कि कितना दूर से चल के हम लोग आ रहे हैं। मेरी तरफ कैमरा टर्न कीजिएगा। वेल देख रहे हैं कि कितनी दूर से हम लोग चल के आ रहे हैं और हमें इस तरफ जाना है अभी। वेल चल चल के थक चुका हूँ गाइस, इतना बड़ा है। वेल अभी हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम के लिए। सुना है कि म्यूजियम बहुत ही प्यारा है गाइस, तो आइए म्यूजियम के लिए चलते हैं। गाइस एक्चुअली 5:30 पे जो म्यूजियम है वो बंद हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। भाई दौड़ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? यार भाई हमें अकेले ही दौड़ना पड़ रहा है, देख लीजिए। आइए भैया दौड़ रहे हैं। अरे दौड़िए तो सही। वेल गाइस हम सभी लोग दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि सच में अभी टाइम हो रहा है 5 के आसपास। 5:30 पे म्यूजियम बंद हो जाएगा और ये जो म्यूजियम है, आई मीन इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा है गाइस। आप आएंगे तो थक जाएंगे भाई, पानी वानी लेके आना भाई, ठीक है? वेल देख रहे हैं हम सभी दौड़ रहे हैं। अब देखिए कुछ देर बाद हाँपने वाले हैं। अंकल जी हाँप क्यों रहे हैं? देखिए मुस्कुरा रहे हैं भाई, सच में बहुत मजा आया भाई। वेल पहुंचते हैं गाइस दौड़ के, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय। गाइस सडन हम लोग म्यूजियम के पास आ चुके हैं, पता ही नहीं चला कब आ गया दौड़ दौड़ के। देख ले कहां ये क्या खुजला रहे हैं हम लोग। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय है। आप देख रहे हैं कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का केंद्रीय विद्यालय है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए भाई, हाँ ये रहा बोर्ड विद्यालय का, और यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजियम का बोर्ड। अब अंदर देखिए म्यूजियम कितना प्यारा है, आई मीन मतलब ये पुराना है और बहुत ही प्यारा है गाइस, सच में। वेल हम लोग धीरे धीरे अंदर चलते हैं
और एंट्री करने से पहले ना गाइस ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो लिखा है, पढ़ लेते हैं। टिम्बर इंजीनियरिंग म्यूजियम, और उसके बाद भाई 1953 ये जो म्यूजियम बना ना गाइज 1953 में बना। वेल आइए एंट्री करते, इस बात की देरी है गाइज, हम लोग एंट्री तो कर ही लेंगे। ये देख रहे हैं व्यू कितना प्यारा है बाहर से, हम म्यूजियम में एंट्री करने जा रहे हैं, आप लोग को भी साथ में लेके चलते हैं। बहुत दौड़ने के बाद म्यूजियम मिला है। मिलिए भैया, भैया हम लोग का चुतिया कट गया ना। ये क्या था, म्यूजियम था या कुछ और? ऑफिस था भैया, ऑफिस। देख रहे हैं बाहर लिखा है म्यूजियम और एंट्री कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई ये ऑफिस है, म्यूजियम आगे है, बोल रहे हैं और दौड़ो। दौड़ेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर का देख रहे हैं कि यहाँ पे है फोटो गैलरी वन अनुसंधान संस्थान। वेल अभी और आगे चलना पड़ेगा भाई, पता नहीं है आई मीन कहाँ है म्यूजियम, इनसे पूछिए कहाँ है भाई, आप बताइए सर कहाँ है। 4 किलोमीटर। देख रहे हैं हंस के बोल रहे हैं, पहली बार आए हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ भाई। हरियाणा से हैं भाई, और क्या करने आए थे यहाँ पे आप? पेपर है भाई, पेपर था दिल्ली पुलिस। कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया गया भाई। बढ़िया गया, क्या लगता है नौकरी मिल जाएगी? हाँ भाई। भाई अभी मैं कुछ समय पहले पूछ रहा था, बोले भाई पता नहीं, अभी बोले मिल जाएगी। देख रहे हैं कैमरे के सामने भौकाल टाइट हो रहा है भाई यहाँ पे। ओके गाइस, ओ गाइस 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 गाइस, देख रहे हैं म्यूजियम दिख गया और बहुत ही शानदार व्यू है। अब भाई रुका नहीं जा रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है भाई, पीछे कार वार आ रही, मैं देख नहीं रहा हूँ। चलते हैं म्यूजियम के लिए गाइस। ओके गाइस गाइस, शानदार व्यू है कि नहीं आप लोग देख के बताइए, पहले वहाँ देखिए फिर कैमरे में देखिए कैसा व्यू है वहाँ पे। अरे सर आप तो बोल दीजिए, क्या शर्म आ रही है यार? सच में बहुत प्यारा है यार, मतलब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं। सच में यार मैंने इतना सोचा भी नहीं था, मैंने फोटो में देखा था, मैंने कहा होगा भाई, भाई भौकाली है एकदम। Oh my God. Oh, guys, ये हैं हरियाणा से और ये हैं देहरादून से। So, हम लोग मिल गए ऐसे ही अचानक, क्योंकि मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा था और ये लोग भाई इंस्टीट्यूट विजिट करने आ रहे थे। Well, guys, इंस्टीट्यूट देख के कैसा लग रहा है? गंभीर हो के नहीं हंस के बोल, पेपर गया तो हंसी, पेपर अच्छा गया तो हंसी, नहीं तो फिर रोइए आप। इसका मतलब है कि पेपर इनका अच्छा गया है, मुस्कुरा रहे हैं। वेल गाइज अब आप लोग को कंप्लीट विजिट कराता हूँ इंस्टीट्यूट का, सच में बहुत ही प्यारा है गाइज। आप आओ यार, आओ, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आओ। देख रहे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देख रहे हैं बत्तख वगैरह मस्ती काट रहे हैं भैया। मेरे दोस्त मेरे साथ धोखा कर रहे थे, मैंने भेज दिया करण अर्जुन। गाइज यार लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ लो आप लोग सूचना उचना जो भी है, जल्दी से एंट्री करते हैं। गाइज देख लीजिए बहुत ही प्यारा है यार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा बहुत प्यारा, बहुत बड़ा बहुत प्यारा, यही बोलना था। वेल गाइज बहुत ही मशक्कत के बाद ये देख रहे हैं प्रकाष्ठ संग्रहालय पहुंच चुके हैं, बगल से एंट्री करते हैं। देख रहे हैं कुछ लोग विजिट करके वापस आ रहे हैं, आ गए भैया। तो वेल गाइज यहाँ पे मैंने पहले तो गेट पे 10 रुपये एंट्री ली, ऑलरेडी आपको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सो फाइनली यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ म्यूजियम के अंदर, बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है 40 रुपीज़। वेल मैंने डिसाइड किया है कि मैं म्यूजियम के अंदर नहीं जाऊँगा, हम लोग बाहर से विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके आइए आइए। टिकट एंट्री मिल चुकी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। भाई हमने टिकट नहीं लिया ना, देख रहे हैं हम लोग कितने भाग्यशाली हैं गाइज। आइए आपको विजिट कराता हूँ, आई मीन आप लोग भाग्यशाली हैं यार। ये देख रहे हैं गाइज बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं यार अंदर, सच में तो मज़ा ही है। म्यूजियम के अंदर का व्यू है सच में बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यार मुझे लगा कि मैं टिकट नहीं लूँगा, सच में मैंने लिया भी नहीं, और क्योंकि अभी टाइम जो है 5 से 7 मिनट बाकी है। वेल लोगों ने बोला कि मैंने पूछा उनसे कि सर क्या एंट्री मिल सकती है, तो बोला हाँ ठीक है, तो एंट्री हो गई, आप लोगों को दिखाता हूँ। अद्भुत, क्या बोल गाइज, ये देख रहे हैं कुल्हाड़ी वगैरह, समझते हैं आप लोग, टैक्स पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, ये है वही सब है एकदम, हथियार वगैरह इधर है, ट्रेडिशनल हैंडमेड इल्यूस्ट्रेशन गाइज, सच में यार बहुत ही अद्भुत है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आएँ, देख रहे हैं पूरा 3D लग रहा है गाइज, ये बहुत प्यारा है यार सच में।
भाई। ओ माय गॉड यार, सच में बहुत प्यारा है। देख रहे हैं पूरा पीछे मेरे 3D है एकदम। इसमें आप लोगों को कंप्लीट टूर कराना चाहता हूँ। हालांकि जब एंट्री मिली गई है तो ये देख रहे हैं मशीन और रुद्राक्ष इमली, मतलब गाइस वो ये देखिए, म्यूजियम का मतलब होता है कि आप हर वो चीज़ें स्टोर कर लें जो चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो म्यूजियम का कंप्लीट जो मतलब होता है तो गाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट टूर करा दिया इस म्यूजियम में, मजा आ गया भाई अंदर आके। ये गाइज देखो, ये हमारा भाई कैसे सोया हुआ है यहाँ पे, मजा ही आ गया भाई म्यूजियम में आके। सच में यार, आओ भाई घूमने आओ यार, मजा नहीं कर रहा हूँ, घूमने आओ, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी जगह है भाई, आओ जरा फॉलो मी। ये देखो यहाँ पे, मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर कराता हूँ। मेरे कैमरा मैन संपूर्ण साथ दे रहे हैं। गाइस ये हैं मतलब समुद्र से हर वो चीज़ें, शाखा की कलम पर जड़ें, बरगद के लटकने, हर वो चीज़ें। सो गाइस यहाँ पे हर वो चीज़ें हैं जो मतलब डे बाय डे चीज़ें खत्म हो रही हैं। म्यूजियम का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि म्यूजियम का मतलब ये है कि हर वो चीज़ें जो मार्केट से ख़त्म होती जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे स्टोर किया गया है। तो आने वाली जनरेशन ये जान पाए कि नहीं ये भी चीज़ें थी यहाँ पे। आइए गाइस ये डांसिंग फोन बनाओ इसको। ये अरे इधर आओ, इधर इधर मुछान उपकरण, ये काफी अच्छा है। So guys, I think देख रहे हैं स्टोन वगैरह हर चीजों का एक नया नाम दिया गया। गाइस चलते हैं, आइए चलते हैं। ओके वेल फाइनली गाइस, अब लोग म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं और आपको बाहर का भी दिखाते हैं। सफाई हो रही है, आई मीन घास की कटाई हो रही है। बंद कितने बजे होता है यहाँ पे? 5 बजे। देखिए इनका गाइस पसीना निकल रहा है, ये काफी मेहनत कर रही है। मैं पास से कैमरा ले जाके देख रहा हूँ, ये देखिए बहुत मेहनत करते हैं। नहीं अभी तो हम तो यूपी के हैं लेकिन रहते हैं देहरादून में। आसमान का व्यू देख रहे हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सच में गाइस बहुत प्यारा है यार। हे गाइस, सो गाइज फाइनली हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली विजिट कर लिया है। सो अब हम लोग चल रहे हैं घर। देखिए मेरे सामने एक व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा है, उसको दिखाते हैं फिर निकलता हूँ घर के लिए गाइज। ओके मिलते हैं यूट्यूब पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।